मैं फिर से शुरू करता हूँ। वेलकम एवरीवन एंड दिस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड क्लास जो आपके लिए हर हफ्ते होता है, इसमें आपका स्वागत है। हर हफ्ते मैं चाहता हूँ और मैं करता हूँ कोशिश की भाई आपके लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो और आपकी लाइफ को एनहेंस कर सके। और आज के टॉपिक जो है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चीज के बारे में जानना, और अगर इससे हम बचाव कर सकते हैं तो फिर बात ही क्या है। सो हम इसी चीज के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोग प्लीज आराम से बैठिएगा, सुनिएगा और कोशिश करें कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे, डायरी ले, नोट डाउन करें, सो दैट आप एक ही बार में देखो और काम खत्म हो, बार बार देखना ना पड़े, बार बार रिसर्च ना करना पड़े, क्योंकि ये आपको आपके टाइम को बचाएगा और डेफिनेटली आपकी और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी लाइफ को एनहेंस करेगा। ओके, सो सबका स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, ग्राउंड रूल मैंने सेट कर दिया है, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, वीडियो में ना आए फिलहाल, जब मैं कहूँ तब आप आ सकते हैं। ओके, एंड टाइप करना है तो आपको टाइप करना है सो दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन यही हो और आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सको। क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगा। आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी डायरेक्टली, माइक में या वीडियो में आ सकते हैं, राइट। सो नोट डाउन कीजिएगा, इसीलिए आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। और जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा ना बैठे कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही यूट्यूब में बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं जो चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, वैदिक है और पूरी हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो हमारी लाइफ को एनहांस कर सकता है। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस चीज को मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी है, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को एनहांस करेगा। ओके, सो एक और छोटा सा रिचुअल, छोटा सा एक काम कर लेते हैं। जस्ट मैं जानना चाहता हूं आप सब लोग जो अभी यहाँ जुड़ चुके हैं कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, अपना अपना लोकेशन बताएंगे। लाइक मैंने लिखा है आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो प्लीज अपना अपना लोकेशन लिखिए। जस्ट मैं चाहता हूँ कुछ लोग और आ जाए, मीनवाइल आप लोग अपना अपना लोकेशन बताइएगा कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करूं। जितेंद्र ने बोला है पटना से, विधि अभी चंडीगढ़ से है, निशी भुवनेश्वर से है, नितिन मुंबई से, वैष्णवी भी मुंबई से है, पंकज चंडीगढ़ से, मेघना सूरत से, और एक मेघना है वो अहमदाबाद से, ओके महिंद्र अहमदाबाद से है, चिराग भी आए हैं उड़ीसा से, भीमाराम राजस्थान से, कृष्णा गुजरात से, मनीष कुमार है बिहार से, सुधा बाली है मुंबई से, अमित कुमार पटना से, संजना कोटक मुंबई से, रुचि गुरुग्राम से, जगदीश छत्तीसगढ़ से, उसविंदर पंजाब से, तेजा डेलास यूएसए से है, ओके नैना मुंबई से, आनंदिता है कानपुर से, गोपा दिल्ली से, आशीष उत्तराखंड से। वेलकम आशीष, आपका भी स्वागत है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, राइट, वेरी गुड। एंड सुधा, आई फील वेरी हैप्पी टू हियर माय नेम, सुधा जी आपका भी स्वागत है, आई नो यू आर फ्रॉम मुंबई, राइट। एंड राजेश कुशवाहा अहमदाबाद, उमेश सूरत से, चिराग स्वीटी ओडिशा से, वेरी गुड, ओके। एंड जिग्ना ने कहा बॉम्बे से, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो ऑल ओवर इंडिया से हैं, कुछ बाहर से भी हैं, कुलदीप दुबई से हैं फॉर एग्जांपल, तेजा डालास यूएस से हैं। अच्छा लगता है जब सब लोग जुड़ते हैं अपने अपने टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी। आई नो तेजा अर्ली मॉर्निंग अभी अभी उठी होगी एंड सी इज अटेंडिंग दिस क्लास, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू take out some time for me, to learn something substantial, or I believe that actually I'm able to deliver you that value of your time, okay? So, आज भी मैं definitely आपसे वही, आप आशा करके बैठे होंगे कि आपको वही मिलेगा और आपको definitely मिलेगा। गुरदीप सिंह भी आए हैं, he is from Australia, बहुत अच्छी बात है, thank you so much for being here। अमृत वर्षा जी आए हैं, she is from Bangalore, so welcome all of you। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, सभी लोग करीब करीब आ चुके हैं, जो आते रहेंगे they will be joining, and जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यू जस्ट टेक अ काइंड ऑफ अ नोटबुक, पेपर और पेन, सो दैट आप कुछ नोट डाउन करो। और आज का डेफिनेटली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैक्ट्स के आधारित है, साइंस पे आधारित है, और कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर आप जान लो, कुछ डेटा है सही तरीके से जान लो, तो आप सही तरीके से इस चीज को पूरी तरह से समझ पाएंगे, आपको उसका नॉलेज होगा, और फुल नॉलेज जब होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, सभी लोगों का स्वागत है अगेन, और आप लोग इस चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके,
ओके सो आज की जो टॉपिक है हाउ टू डिफीट कोरोना वायरस ओके कोरोना वायरस विद करेक्ट नॉलेज क्योंकि नॉलेज अगर ना हो तो घर का चूल्हा जो है एलपीजी गैस भी आपके लिए डेंजरस बन सकता है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो जो कॉमन चीज है जिसमें हम तीन टाइम खाना बनाते हैं अगर नॉलेज ना हो तो डेफिनेटली वो भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है उसी तरीके से कोरोना वायरस के बारे में भी करेक्ट नॉलेज हो तो वो उतना खतरनाक नहीं रहेगा प्लस हम वैदिक साइंस के बारे में जानेंगे कुछ टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे कि हम उसको पूरी तरह से उससे निजात पा सकते हैं और उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके सो पूरी तरह से कोरोना वायरस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में सो नोट डाउन कीजिएगा फटाफट और हम डिस्कस भी करेंगे बिकॉज इट विल बी अ काइंड ऑफ अ इंटरैक्टिव से और जैसे कि मैंने कहा था कि अपने अपने माइक को बंद रखना है सभी लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं फिर से बंद कर दूंगा देखिए कितना ज्यादा क्याओस हो जाता है राइट जब समझते नहीं लोग तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिलहाल मैंने बंद किया है अपने अपने माइक को ऑफ ही रखिएगा राइट एंड जिसको साउंड नहीं आ रहा है प्लीज उनको देख लीजिएगा वो लोग अपना माइक को ठीक कर लें मैं फिलहाल शुरू करता हूं बिकॉज उसके बाद फिर टाइम कम मिलेगा हमें राइट तो सब लोग अपना अपना देख लीजिएगा किस टाइप से आपको अपने माइक को ठीक करना है बाकी जो देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं मैं उनके साथ हूं और जो नहीं सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं उनको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है जरूरी नहीं है इसलिए आप लोग आराम से बैठ के इसको सुनिएगा ओके सबसे पहले वायरसेस की बात करते हैं वायरसेस बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं 320,000 किस्म के वायरसेस ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में हैं ऑलरेडी 320,000 किस्म के वायरसेस ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में हैं और आज मेरे में और आपके अंदर भी बहुत सारे वायरसेस और आपके घर में बहुत सारे वायरसेस हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 219 वायरसेस को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको सही तरीके से नाम दिया है जिससे रिलेटेड कई सारी बीमारियों को हमने कई सालों में पिछले कई दशकों से कई सेंचुरी से हमने उनको देखा है राइट तो वो जो 219 वायरसेस हैं वही नोन है आइडेंटिफाइड है उनका कुछ नाम है और उसके बाद उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां हुई हैं लेकिन हम उस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके हैं और प्लस कई सारे और भी फैक्ट्स जो मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग जाने ओके जैसे कि डेंगू की बात करेंगे लास्ट ईयर बहुत सारे डेंगू की प्रॉब्लम उससे भी पहले डेंगू का बहुत सारा केसेस था और वो जो डेंगू है वो भी एक वायरस से होता है उसको बोलते हैं DENV वायरस ओके सो डेंगू वायरस जो है इससे डेंगू होता है और उसको भी हमने ऑलरेडी जीत लिया है उस पर हमने काबू पा लिया है और डेंगू हो सकता है किसी को भी हो सकता है इनफैक्ट मेरे घर में भी डेंगू हुआ था लास्ट ईयर की बात है इनफैक्ट मुझे भी एक छोटा सा बुखार हुआ था जो 3 से 4 दिन में ठीक हुआ प्लेटलेट्स काउंट्स को चेक किया गया तो बताया गया कि प्लेटलेट्स डाउन है लोगों ने बोला कि शायद डेंगू है लेकिन उसको 3 से 5 दिन के अंदर हमने उसको ठीक किया विदाउट एनी मेडिकेशन और उसके बाद अभी पूरी तरह से स्वस्थ है कोई प्रॉब्लम नहीं है और दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दैट मीन्स वायरसेस आते हैं बीमारी होती है और ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि उसका जो उस वायरस का जो एंटीडॉट है हमारे बॉडी में ऑलरेडी है जिससे उससे लड़ने की एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है स्वाइन फ्लू के बारे में हमने सुना था दैट इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस ओके सो ये भी एक काइंड ऑफ वायरस था जो बहुत ज्यादा फैला था फिर उसको हमने ठीक किया और उसके बाद सब लोग अभी अंडर कंट्रोल है कोई इससे मर नहीं रहे हैं लेकिन ये जब हुआ था तब हाहाकार मच गया था लग रहा था शायद जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है लेकिन फिर भी आप मैं जिंदा है और हम लोग ये क्लास कर रहे हैं दैट मीन्स ये सभी जो है जानलेवा नहीं हो सकता कहाँ पे इसका प्रॉब्लम होती है कहाँ इससे ज्यादा इफेक्ट होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कॉमन कोल्ड की बात करें जो सर्दी खांसी जुकाम होता है आपने सुना होगा राइट कॉमन कोल्ड जो है दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस ओके विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% कोल्ड एंड कफ जो कोल्ड होता है जुकाम होते रहते हैं लोगों को छींकते रहते हैं हर मौसम बदलने पर जब आपको छींक आती है खांसी आती है बुखार होता है वो एक काइंड ऑफ अ कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है बोलते हैं ना मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं मौसम बदलने से सभी लोग बीमार नहीं पड़ते वो बीमार होते हैं जिनका क्या होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये वायरस अफेक्ट करता है और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट कुछ और वायरसेस की बात करें जो कि कोल्ड के लिए जिम्मेदार है वो है कोरोना वायरस
ओके यहाँ पे जब मैं कोरोना वायरस को कोल्ड के लिए जिम्मेदार बोल रहा हूँ तो कोरोना वायरस हुआ ऐसा नहीं है कि दिसंबर में ही फर्स्ट टाइम इजाद हुआ या फर्स्ट टाइम वो आया और उसका नामकरण हुआ है, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस पहले से ही एग्जिस्ट करता है, आपके और मेरे बॉडी में भी कोरोना वायरस ऑलरेडी हो सकता है। थिंग इज कि ये अभी ज्यादा बढ़ गया है, इसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, ओनली दैट इज। एंड कोरोना वायरस से भी कोल्ड होता है, तो इसमें भी कोल्ड ही होता है, कोल्ड होता है, उसके बाद खांसी होती है, बुखार आपका, टेम्परेचर बढ़ता है, देन बॉडी एक्स एंड ऑल दिस दैट, जो पहले भी हुआ था, राइट। और आप लोग कई बार ऐसे बुखारों से बाहर निकल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। पैरा इन्फ्लुएंजा, ये भी एक काइंड ऑफ वायरस है, देन इन्फ्लुएंजा, ओके। सो ये तीन टाइप के अलग अलग वायरसेस जो कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार है, और इसमें से जो इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा है वो रेस्पॉन्सिबल है 61,000 डेथ्स इन अमेरिका इन 2017 and 18। 2017 और 18 में 61,000 के करीब लोग मारे गए थे अमेरिका में, सिर्फ 61,000 लोग सिर्फ इन्फ्लुएंजा, मतलब ये कॉमन कोल्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ कॉमन कोल्ड से 61,000 लोग 2017-18 में अमेरिका में मारे गए हैं, जो कि कोरोना वायरस के हिसाब से बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है, ओके। 61,000 सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हर देश में प्रॉब्लम हो रहा है, हर देश में कॉमन कोल्ड से इन्फ्लुएंजा से लोग मरते हैं। बट थिंग इज कि वो बहुत पुरानी बात हो गई और अभी उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, इसीलिए इस चीज को जो हाइप बना के पूरी दुनिया में फैलाया गया है वो अलग बात है, अलग एक चर्चा का विषय है। ओनली थिंग कि हमें ये जानना है कि इससे हम कैसे काबू पा सकते हैं, इसीलिए उसका फैक्ट जानना जरूरी है। फैक्ट ये है कि ये भी एक काइंड ऑफ कॉमन कोल्ड ही है, एक काइंड ऑफ वायरस है जो कि हमारे सिस्टम से लड़ता है, हमारा सिस्टम उससे लड़ता है। अगर हमारा सिस्टम उससे लड़ने लायक नहीं रहता तो वो अटैक करता है, तब आपको दिक्कत आती है, लेकिन उसको भी ठीक किया जा सकता है बाय एनहेंसिंग योर इम्यूनिटी। डेफिनेटली जब ट्रीटमेंट होता है तो यही किया जाता है ताकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ सके। डायरेक्टली दवा आपको ठीक नहीं करती, इम्यून सिस्टम को ठीक करना होता है और वो उससे लड़ता है, तब जाके आप उस बीमारी से बाहर आते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी वही सच है। तो 61,000 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में इस पर्टिकुलर बीमारी से मरने वालों की संख्या, वो भी 2017-18 की बात कर रहे हैं, और आज के डेट में कोरोना वायरस से मरने वाले कितने, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उसका पूरा फैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं कॉमनली, राइट, 15 लाख लोग हैं हर साल पूरी दुनिया में मरते हैं, 15 लाख 1.5 मिलियन पीपल टीबी की वजह से पूरी दुनिया में मरते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो हर साल 5 लाख लोग टीबी की वजह से मर रहे हैं, ये एक फैक्ट है, ओके, ये चल रहा है, 5 लाख लोग। और अभी इंडिया में अगर ये डिटेक्ट हुआ है तो कितने लोग मरे, एक भी नहीं, ओके। कितने टोटल केसेस है, कोई 30-35 के केसेस है, राइट। और उसमें से मैक्सिमम जो केसेस है उसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है, अंडर कंट्रोल है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहले भी हुआ था ये, स्वाइन फ्लू और बाकी चीजें हुई थी, सो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अंडर कंट्रोल है। इनफैक्ट जिस तरीके से हाइप बनाया गया ऐसा कुछ नहीं है, इससे खतरनाक बीमारी ऑलरेडी दुनिया में है। द मोर्टालिटी रेट ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम फ्लू ओनली, दैट इज इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, इज 60 times मोर देन कोरोना वायरस। समझ में आ रही बात आपको, जो ये बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उनको धीरे धीरे कई सारी बीमारियां, और कई बार तो सिर्फ और सिर्फ फ्लू और इन्फ्लुएंजा से लोग मरते हैं, जो मैंने बताया, राइट। 61,000 लोग तो सिर्फ एक साल में अमेरिका में मरे, ये पूरी दुनिया में अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, तो ठीक है। सो किसी भी फ्लू से मरने की जो मोर्टालिटी रेट है वो कोरोना वायरस से 60 गुना ज्यादा है, इसीलिए कोरोना वायरस का इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके फैक्ट्स के बारे में और थोड़ा डेटा आप कलेक्ट करके लिख लीजिए कहीं पे, कोरोना वायरसेस आर द कॉमन इन ह्यूमन, ये पूरा कॉमन है, ऐसा नहीं कि अलग से है, जैसे आप छुप रहे हो, आप डर रहे हो तो आपके पास वो वायरस नहीं है। थिंग इज कि वो उतने ज्यादा संख्या में नहीं है, और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ कॉमन कोल्ड। नॉर्मली कॉमन कोल्ड में ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, बुखार होता है, तो वहां पे ऑलरेडी वो चीज है। थिंग इज कि ये किस तादाद में है, कितनी ज्यादा इसका अमाउंट है, दैट ओनली मैटर्स, राइट। फिर आते हैं अभी 7th March के, एज ऑन टूडे, ओके, 7th मार्च के हिसाब से, एज ऑन 7th March 2020, देर आर 1,02,257 केसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन पूरी दुनिया में, 80 देशों से ज्यादा पूरी कंट्रीज में बताया जा रहा है, और ये डे टू डे आप पूरे का पूरा पर मिनट का देख सकते हो, आप
इंटरनेट पे, राइट? और एज एन टुडे देखा गया है कि 1,02,257 केसेस हैं इन्फेक्टेड लोगों में, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, ओके? और इसमें से सिर्फ 3,497, मतलब 3,500 के करीब लोग मरे पूरी दुनिया में, दिसंबर से लेकर अब तक 3,500 के करीब लोग मरे हैं। तो बचे कितने लोग हैं? 57,659 लोग ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं, मतलब जिसको इन्फेक्शन हो गया था, जिसको कोरोना वायरस का प्रॉब्लम थी, जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार और बॉडी पेन का प्रॉब्लम था, सांस अटक रही थी, लेकिन बाद में उनको ट्रीटमेंट दिया गया और वो लोग बचे। सो 57,659 तो लोग रिकवर हो गए हैं। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, ओके, मरने और रिकवर होने में, तो ये बहुत 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 कम है, ओके, मोर्टालिटी की बात करेंगे। सो इसमें से बचा भी जा सकता है तो कौन लोग बच रहे हैं, ओके? देखा ये कि मोस्ट कॉमन विक्टिम कौन है जो मर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो लोग कमजोर हैं, बीमार पड़ते रहते हैं बार बार, जो मैंने बताया कॉमनली बीमार पड़ते हैं, और जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन में है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं, उनको ऑलरेडी ये सारी चीजें दिक्कत दे रही है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, जो ऑलरेडी बूढ़े हो गए हैं, किसी वजह से उनको कोई भी दवा काम नहीं करता, बार बार बीमार पड़ते हैं, बहुत ही प्रोन है, डिजीजेस होती रहती है, या फिर 40-50 साल की उम्र के लोग हो सकते हैं जो बीपी, शुगर या फिर हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली वीक हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मेडिसिन आप ज्यादा करते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये वेल नोन है, सबको पता है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली ये कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरा फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में देखा यह गया है कि बच्चों को, ओके, बच्चों को इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? डेफिनेटली बच्चों में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ और सिर्फ एज ऑन टूडे सिर्फ एक बच्चे की मरने की खबर है, ओके, जो कि 9-10 साल का बच्चा रहा होगा, वो उसके मरने की खबर है, अदरवाइज किसी बच्चे की मरने की नहीं है। मतलब जैसी जैसी उम्र कम होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से कोरोना वायरस का उस पर असर नहीं होता। तो किसको डरने की जरूरत है? जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, बीमार है, मेडिकेशंस पे है और उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनको डरने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आप सावधानी रख के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके आप भी अपना बचाव कर सकते हैं, और उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फाइन? तो डरने की कतई जरूरत नहीं है, ये भी एक नॉर्मल वायरस है जो बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता था, कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, बस ये है कि ये अब सुनने को आया है, क्योंकि इसका असर ज्यादा देखने को मिला है, और फिर एक काइंड ऑफ सीरियल बन जाता है, काइंड ऑफ सीरीज बन जाता है, फटाफट फटा, क्योंकि इन्फेक्शन हो रही है एक दूसरे के पास में, हवा से ये ट्रैवल कर रहा है, तो लोगों को दिक्कत होती है, बट थिंग इज कि इस पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है? सीजनल फ्लू के बारे में जस्ट एक डेटा मुझे मिला है, 61,000 मैंने बताया था अमेरिकन डाइड ऑफ फ्लू एंड 2017-2018 में, और कोरोना वायरस में जस्ट 490 दिखाएगा, इट्स 500 और 600 मैक्सिमम लोग हैं जिसको इफेक्ट हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब करीब 3,500 है, फिर भी ये बहुत बहुत कम है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, और जितने लोग इसमें इन्फेक्टेड है वो लोग भी रिकवर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसा होता है कि भाई एक बार लग गया तो वो खत्म हो जाता है, तो डरने की जरूरत है, लेकिन नहीं, जो इन्फेक्टेड है उसको काबू किया जा सकता है और वो लोग भी इसमें से रिकवर कर रहे हैं, और बच्चों में देखा गया है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम इससे बच सकते हैं और कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब सवाल यह है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, जो इम्यूनिटी है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा मुझे भी नॉलेज दें, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैन एवरीबॉडी टेल मी, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, देन आई विल टेल माइंड कि मैं कैसे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता हूँ और आप लोग कैसे कर सकते हो। जस्ट आप लोगों से आइडिया लेना चाहता हूँ चैट बॉक्स से, ओके, सो दैट मैं जान सकूं कि आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज बताया वैष्णवी ने, रॉ वेजिटेबल्स किसने बताया, भीमा भावना ने बोला है प्राणायाम, कंचन ने बोला है सुरक्षा कवच तो ठीक है, बाकी मैं और बताऊंगा। प्रज्ञा, प्रॉपर हेल्दी डाइट, स्ट्रेसलेस लाइफ होना चाहिए, स्ट्रेस को लिखा है। डीप ब्रीदिंग टेक्निक संजना ने बताया है, ओके, वेजिटेरियन डाइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, आपको सही तरीके से बताऊं,
महेंद्र ने प्राणायाम बोला है, जितेंद्र ने सप्लीमेंट बोला है, सुधा बाली ने तेजा ने बोला है प्राणायाम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोला है रत्ना ने, वाटर, तुलसी, डीप ब्रीदिंग, हाँ बहुत अच्छी बात है, तुलसी भी बोला उन्होंने, वेरी गुड। सुषमा ने बोला है योगा, रिड्यूसिंग राइट डीप फ्राइड फूड, ओके ठीक है। पल्लवी ने बोला एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मल्टीविटामिन, ठीक है ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग समझ पा रहे हैं, ओके। टर्मरिक मिल्क बोला है याचना ने, वेरी गुड ठीक है। सो कई सारी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। थिंग इज कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जितनी भी सारी चीजें आपने बताई है, कितने लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मी टाइप कीजिएगा आप, ओके जो करते हैं। याचना ने बोला है ओके, टर्मरिक आपने बोला है तो आप लेते हैं, वेरी गुड। जितने लोगों ने भी मी टाइप किया है, मुझे सिर्फ बताइए कि लास्ट टाइम आप बीमार कब पड़े थे, लास्ट टाइम आप बीमार कब पड़े थे, जस्ट महीना बताइएगा या साल बताइएगा। जितने भी मी लिख रहे हैं उनका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, डेफिनेटली आप पास्ट के कुछ महीनों में बीमार नहीं पड़े होंगे। पल्लवी ने बोला है कि उनको याद नहीं है, वेरी गुड। आई डू योगा, वेरी गुड। 5 years, वेरी गुड वेरी गुड। 1 year बैक मी 2011 में, डॉक्टर अनुज, दैट्स ग्रेट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यस ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी बात है। भावना ने बोला कि जनवरी 2019 में बीमार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद नहीं, फिर भी एक साल का अरसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं खुश हूँ, यहाँ पे मैं इस बात से खुश हूँ कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, हम लोग होलिस्टिक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, और मैंने कई सारे ऐसे नियम बना के दिए हैं, ऐसे कई सारी प्रैक्टिसेस दिए हैं जो कि आरएमपी कहलाते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, और बीच में सिर्फ और सिर्फ हीलिंग नहीं है, सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी करवा रहा हूँ, प्राणायाम भी करवा रहा हूँ, और सिर्फ पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात है, और बीच बीच में मैं कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ सजेशंस देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, तो मैं हेल्दी ईटिंग के बारे में भी बताता हूँ, यू नो नेचुरल ईटिंग के बारे में। तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को यू नो काइंड ऑफ इम्यून बना देता है बीमारियों से, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं तो मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब बीमार हुए थे, आई एम वेरी हैप्पी, ओके। और मुझे खुद याद नहीं आता है कि मैं लास्ट टाइम कब बीमार पड़ा था, हॉस्पिटलाइज हुआ था, यू नो सर्दी खांसी जुकाम बुखार याद नहीं आता, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें नहीं होती, यहां तक कि ऊपर वाले की कृपा से, प्लस ये जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, जो नियम मैंने बनाया है, मेरे घर में भी मेरे बच्चे भी बार बार बीमार पड़ने की टेंडेंसी नहीं है। आपको आपके घर में भी ऐसे ही होना चाहिए, अगर आप इम्यून है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपके बच्चों की भी डेफिनेटली होना चाहिए, उनको भी बार बार बीमार पड़ने की टेंडेंसी से आपको मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए और कुछ नियम हमें पालन करना पड़ेगा, और बच्चों को भी एक संस्कार देने पड़ेंगे कि ये करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ बेटर होगी, ओके। और उनको वो वैल्यू समझाना पड़ेगा गुड हेल्थ का, होलिस्टिक लाइफस्टाइल का, उनको वैल्यू समझाने से डेफिनेटली उनकी उनकी लाइफ लाइफ एनहेंस होती है लाइफस्टाइल, ओके। तो ये किया जा सकता है, मैं ये कर रहा हूं, वेरी गुड। संजना ने बोला कि बाय गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली फिट एंड फाइन, एंड आई जस्ट गेट इल नेचुरली एज आई गेट चेकिंग चिकनगुनिया 7-9 to 10 years बैक, ठीक है। 9-10 साल पहले आपको चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद आप अपने आप को सही रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, यही हम चाहते हैं, और दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल होलिस्टिक लाइफ स्टाइल, ओके। सो होलिस्टिक लाइफ स्टाइल में सिंपल ये नहीं है कि भाई आप रेकी हीलिंग सीख रहे हो, रेकी कर रहे हो और अपना जो चाहे करते रहोगे, नहीं, ओके। सिर्फ हीलिंग से सब कुछ ठीक नहीं होगा, आपको दोनों तरफ से रोटी पकानी पड़ेगी, एक तरफ से रोटी पकड़ा तो दूसरी तरफ से भी पकाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको पूर्ण रोटी बोल के खाते हैं, क्योंकि एक ही तरफ से रोटी पकाएंगे दूसरी तरफ से कच्चा रह जाएगा, या फिर एक ही तरफ से पकाएंगे तो वो जल जाता है, राइट। इसलिए मैं चाहता हूं कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल में दोनों चीजें काम करें, आप हीलिंग भी करें, पॉजिटिव भी रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल भी होलिस्टिक होनी चाहिए, रहन सहन खान पान डेफिनेटली होलिस्टिक होनी चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ बेटर होती है, ठीक है। सो आपको वो सारे नियम का पालन करना है जो कि आपकी लाइफ को एनहेंस करे, आपको हेल्दी रखे थ्रू आउट, ओके। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस हो, एंड देन स्पिरिचुअली हाई हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है मैक्सिमम लोग पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और डेफिनेटली स्पिरिचुअली हाई है। सो यही बात मैं बताना चाहता हूँ, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अगर आप लोग मेरे कोर्स में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आरएमपी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है आज तक, आपने मुझसे जुड़ के मुझसे कोई कोर्स नहीं किया, आरएमपी प्रैक्टिस नहीं करते, तो डेफिनेटली मैं कुछ टिप्स दे दूंगा सो दैट आपको फायदा हो, राइट। एनहेंस करने के लिए आप सिंपल वेजिटेबल्स
पे जा सकते हैं डेफिनेटली ना, जैसे कि कई लोग बोल रहे थे इट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कुक्ड फूड है वो कुक्ड फूड सही है, उसमें भी न्यूट्रिशन रहती है, बट थिंग इज कि जो चीज आपको रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल सकता है, जो पर्टिकुलर ताजगी मिल सकती है, जो एनर्जी मिल सकती है, वो कुक्ड फूड से नहीं मिल सकता। इसीलिए दिन में आपको ये पर्टिकुलर यू नो सिस्टम, जिसमें कि फ्रूट्स भी हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, या तो सुबह या तो शाम, या फिर वेजिटेबल्स आपके खाने के साथ में इन द फॉर्म ऑफ सलाड्स रहना चाहिए। ओके, सो ये चीज आपके खाने में रहे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो कुक्ड फूड है वो मैक्सिमम सिर्फ आपका पेट भरने के लिए काम आ रहा है, उससे न्यूट्रिशन आपको कम मिलती है और उससे एनर्जी और इम्यूनिटी कम मिलती है। इसीलिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रॉ होता है, लाइव एंजाइम्स होते हैं, वो लेना चाहिए। ओके, वो आपके डेली खाने का एक हिस्सा होना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए एनकरेज करना है। रेगुलर एक्सरसाइज होना जरूरी है, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, दौड़ने के लिए जा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस घर में कर सकते हैं, आप योगा कुछ कर सकते हैं, जो योगा से अलग अलग आसन होते हैं, कई सारी चीजें किताबें आपको यूट्यूब में सब मिल जाएगा, वो एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे आरएमपी में स्वाइसो है फर्स्ट सेकंड लेवल में, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। टिंग शुआई है जो थर्ड लेवल में सिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग एक्सरसाइज है, 10 मिनट से लेकर आधे घंटे में आप अपनी पूरी सिस्टम को पॉजिटिव बना देते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, माइंड बैलेंस हो जाता है, चक्र बैलेंस हो जाता है। सो ये पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए एक एक्सरसाइज है। ओके, और जो सिस्टम में मेरे कोर्स में नहीं है वो लोग नॉर्मल एक्सरसाइजेस, लेकिन दिन में करना जरूर चाहिए। जो बैठे हुए ज्यादातर काम करते हैं, जैसे कि मैं मैक्सिमम बैठ के काम करता हूँ, तो हर घंटे 2 घंटे में आपको उठ के खड़ा होना चाहिए, यू नो कुछ देर तक खड़े रहना चाहिए, कुछ वॉकिंग कर लेना चाहिए, और मैं तो बीच बीच में स्वाइसो और पिंग स्वा एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। सो दिस इज द थिंग, यू हैव टू मूव योर बॉडी। ओके, अदरवाइज आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, क्योंकि प्राण शक्ति जो है वो जाम होने लगता है। ओके, फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। ओके, अपनी सांसों को सही तरीके से आयाम देना, उसको एक मूवमेंट देना। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक मैं सिखाता हूँ, 5 मिनट्स का है, हर घंटे या 2 घंटे में आप यह डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए कर सकते हैं। ओके, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देन ऑफकोर्स होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बताया, वो आपको मेंटेन करना है। एंड जो हीलर है, ऑलरेडी हीलिंग जानते हैं, मेरे स्टूडेंट जो रेकी कर रहे हैं मेरे साथ, आप अपने थाइमस ग्लैंड को हील करेंगे। ओके, ये आपको बता दो, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बता दो। सिंपल, जो रेकी जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अपने हाथों को एनर्जाइज कर सकते हैं। सिंपल, अभी भी आप लोग हाथों को थोड़ा सा एनर्जाइज कर लेंगे, रेकी को इन्वोक कर लेंगे, दोनों हाथों को चौकोरे से प्यूरिफाई और चार्ज कर लेंगे, दोनों हाथों को चौकोरे से प्यूरिफाई और चार्ज करेंगे, और सिंपली अपने हाथ को यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे यहाँ पे और छाती के बीच में रख लेंगे। यहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। थाइमस ग्लैंड के पॉजिटिव होने से, बैलेंस होने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। ओके, सो यह हार्ट चक्र पे हीलिंग करना है, थाइमस ग्लैंड में हीलिंग करना है, और इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप कभी भी हाथ रख के ऐसे हील कर सकते हैं अपने बच्चों का, डेफिनेटली 5 से 10 मिनट ये हीलिंग करने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सोते समय भी आप सोते सोते आंख बंद कीजिए, रेकी को आह्वान कीजिए और अपने बच्चे के छाती पे हाथ रख सकते हैं, यू नो सोते सोते भी हाथ ऐसे करके रख सकते हैं और सोते सोते भी आप हीलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे देना है। और जो लोग हीलर नहीं है, जो रेकी से रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिंपल टैपिंग कर सकते हैं। ऐसे पिछली बार भी मैंने कभी बताया था, यहाँ पे सिंपल कुछ देर तक टैपिंग कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज्यादा। ओके, कुछ देर तक आप टैपिंग करेंगे तब भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, विद अफर्मेशन पॉजिटिविटी की, यस मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहा है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार मुझे नहीं हो सकता, मैं अब स्ट्रांग बन रहा हूँ, पॉजिटिव बन रहा हूँ, ऐसे कह के कुछ देर तक आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के भाव से इस जगह पे टैपिंग कर सकते हैं। जो नॉन रेकी है, जिसको रेकी नहीं आता, और रेकी जिसको आता है उसके पास तो ब्रह्मास्त्र है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से हीलिंग करें, इसको रामबाण बोल सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ हाथ रख के आराम से बैठे रहेंगे, आंख बंद करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आंख बंद नहीं करते टीवी देखते हुए भी आप हीलिंग करेंगे तब भी हीलिंग होगा, क्योंकि रेकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। सो यहाँ पे हीलिंग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, दूसरी बात, आपको पेट में भी हीलिंग देनी चाहिए, जो हीलर है पेट में भी हीलिंग देंगे। यहाँ पे मणिपुर चक्र मैक्सिमम डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पूरा का पूरा काम है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यहाँ पे होता है, तो इस जगह पे भी हीलिंग देंगे। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पे, और दूसरा पूरे खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए पेट में मणिपुर चक्र में हीलिंग देंगे, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 5। ओके,
सो थाइमस ग्लैंड में हीलिंग देना है, दैट इज हार्ट चक्र पे. देन अवॉइड करना है तीन चीजें आपके खाने से अवॉइड करना है, या तो उसको बहुत कम करना है. एक है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो सफेद रंग का सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत प्योर सॉल्ट है. जो प्योर सॉल्ट है वही आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, और जिसको बीपी शुगर होता है उनको डेफिनेटली ये शुगर अवॉइड करना चाहिए. और उसके अगेंस्ट में आप सेंधा नमक ले सकते हैं. ओके, सेंधा नमक मार्केट में मिलता है, हालांकि इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगा होता है, बट एक महीने में अगर आप 60-70 रुपए 1 किलो नमक के लिए देंगे तो उससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है. ओके, तो आप इसको ले सकते हैं. मैं लाहौरी नमक लेता हूँ, 60-70 रुपीज का आता है. ओके, और 1 किलो से आपका महीना चल जाता है. सो सॉल्ट आपको अवॉइड करना है, जो कॉमन सॉल्ट है. दूसरा है शुगर, जो सफेद शुगर होता है, जिसको हम खाते हैं चीनी किसी भी चीज में डाल के मीठा बना के खाते हैं, किसी भी स्वीट में वो पाया जाता है, ये आपको टोटली अवॉइड करना है शुगर. एंड तीसरा है मैदा. मैदा आपके सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है. ओके, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खराब करता है. शुगर आपकी आपकी आपके अंदर बहुत सारे केमिकल्स को भर देता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है इसके अंदर, और वो आपके कैल्शियम को खींचता है, सोख लेता है, बाहर निकाल देता है, जिससे कि हड्डियों की बीमारी ज्यादा होती है. ओके, और सॉल्ट तो डेफिनेटली आपको पता है उतना ज्यादा अच्छी चीज नहीं. इसीलिए ये तीन चीजों को, जिसको व्हाइट पॉइजन बोल सकते हैं, इसको अवॉइड करना है, कम करना है. जितना कम करेंगे अच्छा है. और क्या हो सकता है, अगर आप बीमार पड़ते हैं इस टाइप की, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है या फिर कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल मीट या प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए. हालांकि हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं, बट जब बीमार हो तो डेफिनेटली डॉक्टर भी बोलते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए, तो उस समय इसको टोटली आप अवॉइड कर सकते हैं. इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, प्लस कुछ चीजें होगी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. फाइन, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, और एक्सरसाइजेस ज्यादा करेंगे, और हीलिंग तो आपको ऑलरेडी पता है ही, ठीक है ना. चलिए फिर अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या क्या किया जा सकता है. ओके, रेडी है सब लोग? तो मैं आपको यहाँ पे अब जो दिखा रहा हूं वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी. ओके, बहुत ही दुखद घटना घटी थी 2 दिसंबर 1984 को. ओके, 2 दिसंबर 1984 को बहुत ही पॉइजनस MIC गैस लीक हुआ था, बहुत ही खतरनाक. 6 टन, करीब 60,000 टन या कितना, बहुत ज्यादा, मतलब पूरे भोपाल में वो फैला था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, और उससे कई 100 लोग मारे गए थे और हजारों हॉस्पिटलाइज हुए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जो आप लोगों को याद होगा या फिर सुना होगा. ओके, और यहाँ पे पूरे भोपाल में मैक्सिमम लोग इससे इफेक्ट हो गए थे. हजारों की संख्या में लोग बीमार हो गए या फिर हॉस्पिटलाइज हो गए, और उनके नेक्स्ट पूछते भी कई सारे अभी तक बीमार हैं, विकलांग हैं, जो बच गए हैं. लेकिन उसमें से 2 फैमिली थी जिस फैमिली के हर एक मेंबर को कुछ भी नहीं हुआ था, टोटली सेफ थे. एक था मिस्टर सोहन लाल कुशवाहा, दूसरे थे ML राठौर. ओके, ये 2 फैमिली आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे उसी जगह पे थी, और करीब करीब 1 किलोमीटर के दायरे में थी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था. और उसके पीछे का साइंस ये है कि वो लोग कुछ प्रैक्टिस करते थे, जिसको वैदिक रिचुअल बोल सकते हैं, वैदिक प्रैक्टिस बोल सकते हैं, और वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस कहलाता है अग्निहोत्रा. ओके, अग्निहोत्रा वो लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उनको, उनकी फैमिली को कोई भी असर नहीं हुआ, और वो लोग टोटली सेफ थे. और इस पर्टिकुलर केस को केस स्टडी के रूप में जर्मनी ने, अमेरिका ने लिया है, यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत सारी चर्चा हुई, इस पे रिसर्च हुआ, और उन्होंने पाया कि एक्चुअली में जो ये पर्टिकुलर वैदिक रिचुअल है अग्निहोत्रा, ये बहुत ही साइंटिफिक है, और इससे एनवायरमेंट पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हो जाता है, वायरसेस और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, और कोई भी नेगेटिव पोल्यूशन का इस पे असर नहीं होता. तो ये ऑलरेडी रिसर्च है, आप जाके गूगल में और यूट्यूब में इसके सारे वीडियोस देख सकते हैं. ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, बहुत ही साइंटिफिक है. बल हमें नहीं पता चलता जब तक कोई बाहर से रिसर्च करके नहीं बताते, बट ये ऑलरेडी बता चुके हैं. सो इट हैज बीन प्रूव्ड. ओके, और हजारों साल से हम ये चीज करते रहे हैं. मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो अग्निहोत्र के बारे में जानते हैं या फिर अग्निहोत्र प्रैक्टिस करते हैं अपने घर में. How many of you? मैं करता हूं, okay? मैं इसके बारे में बताऊंगा. आप में से कितने लोग हैं जो अग्निहोत्र के बारे में जानते हैं या प्रैक्टिस करते हैं? कितने लोग हैं? ओके, मिथिलेश ने बोला करते हैं, नवनीत नहीं करती. ओके, मिथिलेश करती है, करने वाले पूछूंगा. पंकज करते हैं. ओके, ठीक है, विधि करती है, ठीक है, वेरी गुड.
ठीक है, विधि और पंकज और मिथिलेश आप लोग करते हैं, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन किया है वो बहुत अच्छी बात है, क्यों मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने अपनी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को हमेशा हमने खुद ही नीचा दिखाया है, हमने बोला कि ये धक्केनुसी बातें हैं, अंधविश्वास है, लेकिन अब तो नासा भी इन सारी चीजों को मानने लगा है, तो अब हम मानते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक वो पर्टिकुलर वायरस था, और उस वायरस के होने के बावजूद भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो पर्टिकुलर गैस था जो बहुत ही पॉइजनस था, लेकिन वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों, क्योंकि वहां पे वो पर्टिकुलर जो वैदिक सिस्टम था वो प्रैक्टिस करते थे। मैं अभी आप लोगों के साथ में एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ओके, और आप लोग बताइएगा वीडियो देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, और फिर उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यस बोलिएगा, ओके, जो भी आप देख पा रहे होंगे फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी। आप लोग देख पा रहे हैं ये वीडियो, जो वीडियो चल रहा है आपके उसमें, ओके ठीक है, जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में जस्ट आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है, ओके, और ये पूरा का पूरा किट आजकल अवेलेबल है, आप मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं, अमेजन से या कहीं से भी, और ये किट में क्या क्या होता है, उसकी क्या महत्व है, ये जस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटे से डब्बे में चावल है जो कि ब्राउन राइस होता है, ओके, दूसरे में घी है जो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और तीसरे में एक कपूर है, ओके, कपूर जो आप शुद्ध कपूर कहीं से भी ले सकते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होता है वो है गाय का गोबर का उपला, ये बहुत जरूरी चीज है, इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं कि किस किस चीजों की जरूरत है। तो वहां पे ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें ये रखा जा रहा है, ये हवन कुंड बोल सकते हैं, और ये पिरामिड शेप में होता है, ओके, पिरामिड शेप में होता है, और इस पिरामिड शेप के हवन कुंड में आपको वो घी का भी इस्तेमाल करना होता है, तो आपने क्या करना होता है, जो ये काउ डंग है, उपला है, उसमें घी पहले से लगा के रख देना है आपने, ठीक है, और ये पर्टिकुलर उसमें आता है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ये पर्टिकुलर बिस्किट शेप में आता है, ये काउ डंग का जो उपले आते हैं, ओके, और इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, ये पर्टिकुलर छोटा सा एक हवन कुंड है, और बहुत ही 5 मिनट का आपका रिचुअल है, लेकिन करने से कितना फायदा होता है वो दिखा रहे हैं। पहले आपको 2 टुकड़े करके उसको रखना है, उसके ऊपर आपने 2 और रख दिए, सिर्फ और सिर्फ 2 बिस्किट उपला के यह काम करेगा, बीच में हमने कपूर रखा हुआ है, ओके, जलाने वाला कपूर जो हम पूजा करते हैं उसका इस्तेमाल किया हुआ है, और उसको हम जलाएंगे जब शुरू करेंगे तो कपूर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि उससे आग जल जाती है, ओके, और यहाँ पे आपको एक छोटे से प्लेट में दो जगह छोटे छोटे से अक्षत बना कर रखना है, चावल के थोड़े से, मतलब कुछ दानों के, आपके 10-15 दानों के छोटे से आपको 2 जगह बना के रखने, क्योंकि 2 बार आपने उसकी आहुति देनी है, वहां पे 2 बार आपने स्वाहा करना है, और वो चावल के दानों का दिया जाएगा, और प्लस घी उसमें मिक्स कर देंगे, ओके, चावल में घी को मिक्स कर देंगे जो कि शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, ओके, और चावल आपका ब्राउन राइस जो फुल राइस होता है वो राइस यूज करेंगे, ठीक है, 2 जगह आप बना के रख लीजिए, घी को उसके साथ पूरा मिक्स कर देना है आपने पूरी तरह से, ओके, और दो पार्ट बना के रखिए, और 2 ही बार इतने ही इतने छोटे, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े से आपको चावल घी के साथ मिक्स करके अलग से रख देने हैं, फाइन, और आपके जो अग्नि कुंड है जिसमें आपको ये रखा जा रहा है वो तांबे का होता है, ये तांबे का आप अलग से खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 300-350 रुपए में आपको मिल जाएगा, और बाकी चीजें आप खुद उपयोग कर सकते हैं, पूरा किट भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा किट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट आप इसको अलग से प्रोक्योर करके असेंबल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम उस कपूर को जलाएंगे, ओके, सबसे पहले उस कपूर को जलाएंगे, वो कपूर के जलने पर, और ये 2 टाइम पे किया जाता है, एक है सूर्य उदय के टाइम पे और दूसरा सूर्यास्त के टाइम पे, ओके, सूर्य उदय एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, एक ऐप आता है उसमें आप एग्जैक्टली आपके उस जोन में, आपके घर के आसपास में कितने बजे सूर्य उदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, वो आप वहां पे जान सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप आहुति देंगे तो वहां पे मंत्र होता है, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बता दूंगा, बोलेंगे जैसे सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, बस इतना ही, ओके, ये सूर्य उदय के टाइम पे ये मंत्र आपने बोलना है, जो आपको वहां पे मिल जाएगा, जब भी आप लोगे तो मैं भी आपको बता दूंगा, ओके, फिर सूर्यास्त के समय एग्जैक्टली उसी टाइम पे, ओके, अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः,
ओके सो इस तरीके से दोनों टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ वो चावल के दाने जो पर्टिकुलर घी के साथ होता है उसको हमने उस पे आहुति पे देना है और उस गोबर के उपले का जो कंडे बनाए हुए हैं उसको पूरी तरह से जलने देना है। ये सारी चीजों का जो सामंजस्य इसमें जो होता है इससे एक एक एनर्जी क्रिएट होती है, गैस क्रिएट होती है और वो आपके आपके एनवायरनमेंट को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को पूरा शुद्ध करने के लिए फिर से देख लीजिए, एक हवन कुंड है जो तांबे का बना हुआ है, पिरामिड शेप में होता है। ओके, और ये रेडीमेड मिलता है 300-350-400 रुपए में मिल जाएगा और बाकी चीजें आपको अपने आप असेंबल कर सके तो कर लीजिए। ओके, गोबर के उपले आपके घर के आसपास में कहीं पे आपको जहां पे ये गाय पाले जाते हैं, ओके, किसी मंदिर में कहीं पे आपको मिल जाता है तो वहां से आप ये ले सकते हैं, कई सारे आश्रमों में भी अवेलेबल होता है। ओके, फिर उसके बाद आपको शुद्ध घी का घी चाहिए होगा जो गाय का घी होता है, बाकी चावल आपको राशन की दुकान में मिल जाएगा और चम्मच आप नॉर्मल चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो उपले हैं उपले आप खरीद सकते हैं, अमेजन वगैरह से भी मिल जाता है, बट वहां पे कितना ओरिजिनल है नहीं है मुझे नहीं पता, इसलिए अपने घर के आसपास में जहां से आप उसको देख के ले सके लिया जा सकता है, बाकी मैं नॉर्मली मंगा लेता हूँ और किसी मंदिर में आश्रम में भी ये चीज मिल जाती है। ये एक सिंपल बिस्किट की तरह, ये छोटा जो हमने दिखाया आपको, इसी का दो भाग हमें चाहिए और इसको दो टुकड़े कर लेंगे तो चार हो जाएगा और इसी से आपका एक टाइम का अग्निहोत्र हो जाता है। ओके, और ये अग्निहोत्र सिंपल 5 मिनट का ये रिचुअल है और इससे आपका पूरा एनवायरमेंट पूरी तरह से वायरस और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और किसी भी टाइप के पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स वहां पे रह नहीं सकता और ये आपके आपके फैमिली को पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा, इम्यून बना देगा, कोई भी चीज उस पर असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, जब आप बाहर जाएंगे तब आपको सावधानी बरतनी है। ओके, और सावधानी क्या बरतनी है, डेफिनेटली आप कोई चीज ऐसा लेके जा सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को ढक सको, क्योंकि बाहर किसको इन्फेक्शन हुआ आपको नहीं पता, तो फिलहाल के लिए जब तक ये चल रहा है आप एक मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप जाएं तो एक मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आपके परिवार को किसी वजह से लगता है कि इस टाइप का कुछ इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपको मास्क पहन के ही जाना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। किसी से भी हाथ ना मिलाएं क्योंकि हाथ से ही ज्यादातर इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, और जब भी आप घर आए, जब भी आपको लगता है कि कुछ और काम करना है, खाना पीना है, तो आपको अपने हाथों को पूरी तरह से साबुन से धो लेना है, अपने हाथ को पूरी तरह से साबुन से धोना है। और धोने की प्रक्रिया भी थोड़ा सा लंबा होगा इस बार, क्योंकि आपको हाथ को अच्छी तरीके से धोना है, साबुन लगा के रगड़ना है, उसके बाद आप हाथ के पिछले हिस्से को आप रगड़िए, दूसरे हिस्से को भी आप रगड़िए, आप नाखूनों को भी रगड़िए पूरी तरह से आप हर एक जगह पे आपने साबुन लगाना है, अंगूठे को भी नाखूनों को भी आपने पूरी तरह से रगड़ना है, अच्छी तरीके से कीजिए, 20 से 30 सेकंड आपको लगना चाहिए, और अच्छी तरीके से धोने के बाद ही अपने घर में किसी को छुइए और बिना मतलब में अपनी आंखों को, अपने मुंह को, नाक को हाथ नहीं लगाना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आप ले सकते हैं, और जब आपके घर में सभी लोग टोटली प्रोटेक्टेड है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसानी से उस पर काबू पा सकता है। जब आपकी स्ट्रांग इम्यूनिटी हो तो आप आसानी से उससे लड़ लेते हो, सभी लोग बीमार नहीं पड़ते। आपको याद होगा जब स्वाइन फ्लू हुआ था सभी लोग थोड़े बीमार हुए थे, क्या आप सब लोग बीमार हो गए थे क्या? नहीं हुए होंगे ना, सभी लोग नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब नॉर्मली कॉमन कोल्ड होता है कहाँ सभी लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर अनुज यहाँ पे उनके पास हर एक लोग थोड़ी छींकते और खांसते हुए आते हैं, वही एक दो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है और कॉमनली वही लोग बार बार डॉक्टर के पास आते हैं, राइट? तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है तो उनको तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोला है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है क्योंकि वो लोग नियम का पालन करते हैं। जब नियम का पालन करोगे तो आपकी इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम कुछ डाइट के बारे में बात करें, और ये डाइट डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा दिया गया है, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है, गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और उन्होंने ये चीज कई लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। वो नेचुरल डाइट पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, डायबिटीज के ऊपर उन्होंने पूरा PhD किया है और हजारों लोगों को डायबिटीज फ्री किया है सिर्फ और सिर्फ डाइट के बिना पर। और डाइट आपको एक सिंपल सा कोरोना वायरस या किसी भी टाइप के फ्लू से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए ये डाइट प्लान आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, नोट डाउन कीजिए। ओके, 3 दिन का एक कोर्स होता है, जैसे ही आपको लगता है कि किसी भी टाइप के आपको बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया है, कोरोना वायरस हो या ना हो, एनीथिंग, ओके, 3 दिन में आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है।
डे वन डाइट पे क्या होगा, आपका एक फॉर्मूला लिखना है, आपका जितना वेट है ओके, आपका जितना वेट है उससे डिवाइडेड बाय 10, मान लो मेरा 60 केजी का वेट है, डिवाइडेड बाय 10 इज 6, तो 6 ग्लास आपको नारियल का पानी और 6 ग्लास आपको कोई भी सिट्रस जूस लेना है, जिसमें मौसमी, ऑरेंज, पाइनएप्पल ओके, कोई भी ऐसा जूस जो खट्टा हो वो आपको लेना है, सिट्रस जूस बोलते हैं, जिसमें विटामिन सी मैक्सिमम पाया जाता है। डे वन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, मतलब 6 ग्लास कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर एंड 6 ग्लास आपको सिट्रस जूस पीना है, 12 ग्लास मतलब हर घंटे एक एक ग्लास आप पिएंगे, नारियल का पानी सिट्रस जूस, नारियल का पानी सिट्रस जूस, ऐसे करके पूरे दिन भर में आपने ये सारे पीने हैं। ये डे वन का है, कुछ खाना नहीं है, नथिंग टू बी टेकन ओके, ये पूरा फास्टिंग के साथ में आपने सिर्फ ये पानी पीना है, जिससे कि आपके अंदर की पूरी डिटॉक्स होता है और आपकी इम्यूनिटी का जो वॉल होता है वो तैयार हो जाता है ओके। डे टू का डाइट जो होगा वो सेम फॉर्मूला देखिए, 60 kg फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है, डिवाइडेड बाई 20 दिस टाइम ओके, दैट मींस 3 ग्लास नारियल पानी, 3 ग्लास जूस ओके, 3 ग्लास नारियल पानी, 3 ग्लास जूस, मतलब 6 ग्लास आप पूरे दिन भर में पिएंगे, 2-2 घंटे में मान के चलिए ठीक है। उसके बाद आता है टोमेटो एंड कुकुम्बर ओके, टमाटर और खीरे का आपको एक पर्टिकुलर डाइट लेना है। आपका वेट अगर 60 kg है इंटू 5, 6×5=30, 300 ग्राम मिनिमम ओके, 300 ग्राम टोटल टमाटर और खीरा लेके आपको खा के उसको खत्म करना है, चाहे तो डायरेक्टली ऐसे ही खाना है या तो उसको भी काइंड ऑफ जूस बना के आप ले सकते हो। 300 ग्राम मिनिमम है, से लेकर आधा किलो 600 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 300 ग्राम से कम नहीं चलेगा, ये आपके वेट के हिसाब से होता है ओके। देन डे थ्री में जब होगा, सेम पहले वाला जो डे टू में आपने जो लिया था सेम टाइप का डाइट है, लेकिन इस बार ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ 2 ग्लास जूस लेंगे ओके, 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास आपके टोटल ये सिट्रस जूस ओके। लंच में आ जाएगा, लंच में आएगा ब्रेकफास्ट मतलब सुबह से लेकर 12 बजे तक मान के चलिए कि आपने सिर्फ ये जूस पिया है, और उसके बाद लंच में आएगा 300 ग्राम ऑफ टोमेटो एंड कुकुम्बर ओके, सेम जो रात को हमने लिया था वो आपने यहाँ पे लंच में लेना है, टमाटर और कुकुम्बर जो आप दिन भर में कभी भी ले सकते हो, दिन भर में आपको 300+ ग्राम आपको लेना है ओके, ये आपकी डाइट में आएगा। और रात को जो डिनर होगा एकदम नॉर्मल डिनर होगा, क्योंकि तब तक आपका सर्दी खांसी जुकाम बुखार ठीक हो चुका होगा और आप नॉर्मल खाना खा के नेक्स्ट दिन से आप रिज्यूम कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा 3 दिन का डाइट है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से सर्दी खांसी जुकाम बुखार फ्लू टाइप की कोई चीज हुआ है ओके, नॉट ओनली कोरोना वायरस, एनी टाइम ऑफ स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, एनीथिंग, तो आप ये डाइट को फॉलो करेंगे और आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। सो ये डाइट फॉलो कर चुके हैं लोग और कई लोगों ने इस पे काम किया हुआ है और ये आप भी कर सकते हैं, और इसमें मैं दावा कर सकता हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और डेफिनेटली ये आपकी इम्यूनिटी को ही बढ़ाएगा और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है ओके ओके। सो फार जितने लोगों को मैंने जो कुछ समझाया है, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ओके। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ओके, सिंपल है कि डरने की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस से, क्योंकि ये कोरोना वायरस कोई नया चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में था, बस ये है कि अब थोड़ा सा ये बढ़ गया है और इसका थोड़ा सा हाइप बन गया है, इसलिए लोग डर रहे हैं ओके। डरने का और भी कई सारे कारण है, बट थिंग इज कि इसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ओनली थिंग कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, सावधानी रख लीजिए ओके। नॉलेज ये है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी वायरस आपके अंदर पनप ही नहीं सकता ओके, बढ़ नहीं सकता, अभी भी है आपके अंदर में वो वायरस, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, 2-5% टोटल वर्ल्ड में, इससे ज्यादा तो लोग इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं, इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा लोग तो टीबी से मर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है ओके। हाँ, आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं, मास्क पहन के रहिए, हाथ को बार बार धोते रहिए, अपने चेहरे पे, आंखों पे, मुंह पे, आप नाक पे, इससे हाथ को ना छुएं, सो दैट ये इमीडिएट इफेक्ट ना करें, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। बाकी सावधानी रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ये जो डाइट है आप वैसे भी इसको फॉलो कर सकते हैं बिना बीमारी के, तब भी ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी ठीक है। राष्ट्रीय सर्दी खांसी होने पर ये करना चाहिए क्या? हाँ, वही तो अभी उसी के बारे में बता रहा हूँ ना, इसके लिए आप कोरोना के लिए वेट मत कीजिए कि वो इफेक्ट करेगा, ये आप कभी भी कर सकते हो, अगर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है
आपको लगता है कि दवाई नहीं खानी और उस पर डिपेंड नहीं होना, तो ये कर सकते हो और इसको कभी भी आप बीच बीच में कर सकते हो। महीने में एक बार इस टाइप का एक डाइट लेके अपने आप को पूरी तरह से इम्यून कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ना। देखो नारियल पानी महंगा ही पड़ेगा, राइट, सिट्रस जूस महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा तो लोग बोलेंगे कि सिर्फ पैरासिटामोल खा लेंगे, कई लोग सोचेंगे, लेकिन बाकी जो दवाइयां हैं वो साइड इफेक्ट करती है और ये आपको हमेशा के लिए इम्यून बना रहा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सो दैट आप हैप्पीली होलिस्टिकली पूरी जिंदगी जी सके, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर अनुज ने बोला है, इन वायरल इन्फेक्शन पेरेंट्स आर मोस्टली वरीड अबाउट हाई ग्रेड फीवर एंड ब्रेथलेसनेस एंड कार्डिया विदाउट सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, योर टेक वन टू नो। डॉक्टर अनुज, अगर आप आके बोल सके तो मैं समझूं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, तो मैं जान सकता हूं, डेफिनेटली समझ सकता हूं, आप कुछ बोलना तो चाह रहे हैं, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप ऑडियो में आके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अनुज, प्लीज शेयर विद अदर्स, राइट, आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर है। डॉक्टर अनुज प्लीज, यस हाँ बोलिए प्लीज, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में मेडिकल डॉक्टर भी है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट एक चीज सर मेरा ये था कि जनरली जो है पेरेंट्स या फिर हम खुद जब बच्चों को जब वायरल फीवर होता है जी, तो जो सबसे बड़ा कंप्लेन या फिर आप सबसे बड़ा वरी जो है उनको ये रहता है कि हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि ये 100 ऊपर रहता है जनरली विदाउट गिविंग मेडिकेशन। आप अगर पीसीएम अगर उसको नहीं देते हैं तो 100 से ऊपर रहता है, और आप डेफिनेटली, मुझे भी कॉल आया है रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आप कोई भी टाइम ले सकते हैं कि सर फीवर इतना ज्यादा है तो अभी हम क्या करें, मतलब जो है। और दूसरा चीज, जब साथ ही साथ फीवर जैसे ही हाई जाता है तो डेफिनेटली उनका जो ब्रीथलेसनेस होता है या फिर टेकिकार्डिया जिसको कि हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, हाँ वो बढ़ जाता है, जो कि एक उसका मतलब एसोसिएटेड एक सिम्टम है उसका। तो इन दैट केस जो है पेरेंट्स को समझाना मुश्किल हो जाएगा, और अपने आप को भी जो नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वी कैनॉट डिनाई इट। तो इन दैट केस विदाउट टेकिंग मेडिकेशन व्हाट शुड वी डू इन आवर सोसाइटी। देखिए ये चीज देखो, मैं तो अपने बच्चों के साथ तो कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो सही है। डेफिनेटली बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, जो आपके पास पेशेंट आया, आप उनको थोड़ी बोलेंगे कि जाइए और नारियल पानी पीजिए, डेफिनेटली, राइट, ये वो बोलेंगे कि किस टाइप का डॉक्टर है, राइट, तो ठीक है ना, उनको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो आपके पास मेडिकेशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो कीजिए ना, क्योंकि उसको डाउन तो होना चाहिए, एटलीस्ट 100 तक तो आ जाए, ओके, राइट। लेकिन अगर हम डाइट की बात करेंगे तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये बोलते हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हो चुका है, किया हुआ है, कि पहले दिन का जो फर्स्ट डे का डाइट है, नारियल पानी और सिट्रस जूस 12 ग्लास की बात कर रहा हूँ, 60 kg वेट के लिए, अकॉर्डिंगली आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि कौन कितना वेट है, अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला करना है बाय 10 करके, तो वो जब लेते हैं सिर्फ एक दिन में ही करीब करीब आपका जो फीवर है वो कंट्रोल में आ जाता है, 100-101 तक आ जाता है, ओके, सो जब ये कंट्रोल में आ चुका है तो नेक्स्ट दिन का डाइट से वो और ज्यादा ठीक हो जाता है, और मेनली है कि वो जो वायरस है उसको इमीडिएटली खत्म भी नहीं करना है, कि पूरा निल, क्या बोलते हैं, फीवर निल हो जाए, टेम्परेचर निल हो जाए, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली कॉम्बैटिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो तो कॉम्बैट करने के लिए होता है, राइट। तो उसके बाद सेकंड डे में जब दूसरे दिन की डाइट आती है, फिर तीसरे दिन में आते हैं, तब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बट जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स को समझाना मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, मेडिकेशन दिया जा सकता है, लेकिन मेन है कि आगे उनके जो इम्यूनिटी बढ़े उस चीज के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, राइट। सर मेरा इसमें अगर आप इजाजत दे तो मैं सर एक थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ प्लीज 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 बोले ना, अच्छा लगेगा, बोले प्लीज बोले। हाँ जी हाँ, मैं सर जो हमें सुन पा रहे हैं, मैं थोड़ा ये अपने जो एक्सपीरियंस है ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इसमें बच्चों को एंटीबायोटिक ना दे, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब इन स्पाइट ऑफ जो है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन डॉक्टर गूगल इज वर्किंग मोर देन अस। सही बात है, डॉक्टर गूगल ज्यादा काम कर रहा है, वेरी गुड। जी जी जी, मैं सभी को, अगर इनमें से हम में से अगर कोई पेरेंट्स हैं, कोई जो है माँ है, कोई फादर है अगर कोई, या फिर घर में कोई छोटा बच्चा है, मेरा ये सलाह रहेगा कि पहले आप जो है कोशिश करिए कि टेम्परेचर को 100 के आसपास ले आए, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मेडिसिन देना पड़े तो ये आपके हेल्प के लिए है, वो कोई इट इज नॉट फॉर जो है कोई आपको साइड इफेक्ट उसमें देखना नहीं, क्योंकि एट द टाइम आपको इफेक्ट ज्यादा मैटर करता है बजाय साइड इफेक्ट।
इफेक्ट आपको ज्यादा इमरजेंसी चाहिए होता है बजाय साइड इफेक्ट के। ठीक है, और डॉक्टर अनुज तो पहले जैसे टेम्परेचर आप विदिन 30 मिनट्स जो है टेम्परेचर कम से कम 0.5 डिग्री तक नीचे आ सकता है। फारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, हाँ, डिग्री की नहीं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, फारेनहाइट, ओके भाई, ठीक है। तो आप जो है साइडवेज हेड, जैसे सर तीन चीज मैं बताऊंगा कि हाँ, अगर 100 से ऊपर है, क्योंकि उस समय न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का चांस रहता है बच्चे का, खासकर क्योंकि उनके जो है जो नर्वस सिस्टम है थोड़े से जो है मतलब ससेप्टेबल रहता है बीमारियों से। तो एक तो आप जो PCM जो सबसे सेफेस्ट ड्रग माना गया है दुनिया में, और इसको प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, डोज आपको पता करना पड़ेगा डॉक्टर से, डोज कितना देना है ये चीज ध्यान रखिएगा। जी जी जी। सेकंड थिंग कि स्पंजिंग कर सकते हैं अगर उसमें शिवरिंग नहीं है, तो अगर शिवरिंग है तो स्पंजिंग ना करें, बेहतर होगा। पहले शिवरिंग को कंट्रोल करें, उसके बाद स्पंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नो बिग नो। चाहे कोई भी जानकार आपका घर का बताए, या कोई भी जो है मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर से बताएं, या डॉक्टर गूगल बताएं, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना है बच्चों। ओके, एंड PCM इज नॉट एंटीबायोटिक। नो, PCM इज जस्ट आपका जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। PCM इज कॉल्ड सर, इसको जो कहते हैं ना कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। जी, 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 मतलब एडिशनल टू योर, इट विल हेल्प योर इम्यून सिस्टम। जस्ट इट फैसिलिटेट्स योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए, अब आपसे बात हो रही है तो थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर देयर। अगर मैं अपनी बात करूंगा, आई एम 45 इयर्स ओल्ड फॉर एग्जाम्पल, ओके, और मेरी 60 किलो की मेरी वेट है, कितना mg मुझे PCM लेना चाहिए टू टेक यू नो बुखार से कंट्रोल लेने के लिए? PCM कितना लेना चाहिए? सर एक, हाँ, मैं ये कहता हूँ सर, एक फॉर्मूला है 25 mg इनटू द बॉडी वेट, एक फॉर्मूला है जनरली ये बच्चों के लिए। तो आप घर पे भी द चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स 25 इनटू बॉडी वेट इतना मिलीग्राम का, ओके, ये है, ये सर है पर डे का है ये। ठीक है, तो एक बच्चा अगर 30 किलो का रेंज है, एक बच्चा 30 किलो का है और 10 साल का या 11 साल का है, तो उसको कितने mg का नॉर्मली आप प्रिस्क्राइब करते हैं? ठीक है, मैं जो प्रिस्क्राइब करता हूँ उसको बॉडी वेट देख के ना, उसका बॉडी वेट अगर मान लीजिए कि सर जो एज पर एज और हाइट है उसका, जी, तो अगर इन दैट केस 250 mg का हम दे सकते हैं, 250 mg सिंगल डोज दे सकते हैं। अगर 10 साल से ऊपर है लेकिन बॉडी वेट मान लीजिए कम है तब भी हम 250 देंगे, बट अगर बॉडी वेट ठीक ठाक है तो हम 10 साल से ऊपर का हम 500 भी दे सकते हैं अभी। ओके, ठीक है, तो मतलब 500 mg तक भी लिया जा सकता है मोर देन 10 इयर्स में। हाँ, लिया जा सकता है। एक बार टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए डॉक्टर अनुज, एक बार टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए, देन यू स्टॉप इट, देन यू टेक इट, then हाँ. you will not have to take it. कोई जरूरी नहीं है उसको रेगुलर लेने का, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको स्पंजिंग से या फिर वो अपने आप ही टेम्परेचर अगर रिलैप्स करता है तो आपको उस स्पंजिंग से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि तब तक शिवरिंग कंट्रोल हो गई होगी। ठीक है, तो मतलब अगर उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ है तो आप भी एंटीबायोटिक में ज्यादा वो नहीं करते कि एंटीबायोटिक लेना चाहिए? नहीं सर, मैं दूसरों का नहीं बता सकता, बट मैं जस्ट आपकी बात कर रहा हूँ। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर सर, मैं जी मैं सर कभी भी जो है एंटीबायोटिक आई कीप एज लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक्चुअली एंटीबायोटिक के लिए वही मैं यूज करता हूँ। आई विल नॉट डिनाई, दैट आई डोंट प्रिस्क्राइब और आई डोंट यूज, बट आई, ठीक है, दैट केस ऑल्सो मैं पहले फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करता हूँ, फिर सेकंड लाइन, फिर जो थर्ड लाइन, जो थर्ड जनरेशन वाले उसके बाद करता हूँ। जनरली अभी क्या चल रहा है सर कि पहले ही थर्ड लाइन वाले जो एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है जल्दी तो ठीक हो जाता है, बट इन लॉन्ग रन वो जो है उसकी इम्यून पावर को पूरा डैमेज कर देता है। दैट आई डोंट प्रिफर एंड आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने, इन्फॉर्मेशन दिया डॉक्टर अनुज, सो नाइस एंड थैंक यू सो मच।
फॉर कमिंग ओके थैंक यू थैंक यू हाँ बहुत अच्छी जानकारी है और इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें की जा सकती है आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हो मतलब जो मैं डाइट के बारे में बता रहा हूँ फास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ जो नेचुरल यू नो इनटेक फूड के बारे में बता रहा हूँ आपको क्या लगता है ये काम करेगा आपके हिसाब से नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली आई एग्री दैट्स व्हाई आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग आई एग्री विद इट आई एग्री चलिए ठीक है डॉक्टर अनुज डॉक्टर अनुज से भी हमें यू नो अप्रूवल मिल गया है ओके सो अच्छी बात है थिंग इज कि यार यू शुड बी केयरफुल थैंक यू वेरी मच यू शुड बी केयरफुल ओके और बुखार में हां और बुखार में अपने आप ही फैसला नहीं लेना है जब भी बुखार हो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक बार डॉक्टर को मेडिकल डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए टेस्ट करवाना चाहिए कि किस वजह से बुखार हुआ है स्ट्रांगली बोल रहा हूँ जब भी बुखार हो 100+ हो तो प्लीज अपने आप ही मेडिकेशन मत कर दो और जो मैंने बताया इमीडिएटली वो मत करो एटलीस्ट पता करो कि किस वजह से है बुखार डेंगू तो नहीं है मलेरिया तो नहीं है किसी टाइप का ये कोरोना वायरस तो नहीं है एक बार पता करना है सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ टाइप का अपने आप ही रेमेडी नहीं करना है बुखार में हमेशा ध्यान रखना है डॉक्टर अनुज ने भी ये चीज को बोला है बहुत खतरनाक फैटल हो सकता है हमने ये देखा है ओके सो अपने आप ही कभी भी मेडिकेशंस वगैरह शुरू नहीं करो एटलीस्ट पता करो कि किस वजह से है आफ्टर दैट आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं हीलिंग कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है चलो बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अभी कुछ किसी को पूछना हो या कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं पहले मी टाइप करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लास्ट कुछ चीजें कर लेते हैं जो हम लोग हर बार करते हैं किसी को कुछ पूछना हो तो यस क्लैरिफाई भी कर सकते हैं एनीबडी हु टाइप्स मी आई विल कॉल देम एंड वी कैन डिस्कस ठीक है एनीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल हु वांट्स टू कम एनीबडी आना चाहेंगे कुछ बोलना चाहेंगे डिस्कस करना है तो प्लीज बताइएगा जो भी मी टाइप करेंगे मैं उनसे पूछूंगा क्वेश्चन आंसर यहाँ करेंगे एक पूरा इंटरेक्टिव सेशन है हमारा हम चाहते हैं कि लोग कुछ पूछे कुछ बातचीत करें राइट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर हमारे प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो एनीबडी मी टाइप करेंगे पहले फिर उसके बाद आगे बताएंगे ओके याचना बोल रही है आई वांट टू टेल अ फ्यू होम रेमेडीज याचना अगर बोलना है तो बोलिए क्या बोलना चाहते हैं होम रेमेडीज बताइए क्या क्या है जो आप प्रैक्टिस करते हैं ओके जो प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है याचना बोलिए सर मैं हमेशा से ही मतलब वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ और हमेशा अपने बच्चों को और खुद को कुछ ना कुछ रेमेडीज देने की कोशिश की है जो कि इफेक्टिव भी हैं जैसे नंबर वन जो हम यूज करते हैं काफी कभी भी कोल्ड होता है तो बच्चे रात को आराम से सो नहीं पाते हैं उसके लिए हम लोग सिंपल बहुत ही सिंपल सा है कि नींबू के पत्ते लेकर और उनको एक पतले रुमाल में बांध के क्रश करके बस अपने पास रखना है उसका एरोमा इतना अच्छा होता है कि उससे फीवर भी होता है किसी को तो वो भी थोड़ा डाउन हो सकता है उससे हेडेक भी ठीक हो जाता है और कोल्ड मतलब जो नोज में प्रॉब्लम होता है इरिटेशन हो रही थी वो तो इमीडिएटली स्नीजिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है नींबू के पत्ते को सिर्फ रुमाल में बांध के रखना हाँ जी बस अपने पास रखना है और उसका जो एरोमा है खुशबू है उसी से तो एरोमा थेरेपी हो रहा है यहाँ पे हाँ जी ठीक है और सेकेंडली एक हम यूज करते हैं कि जो विक्स वेपर अब होता है अपने पैर का पूरा तली में जो सोल लगा लेते हैं रात को सोते टाइम और सोने सॉक्स पहन लेते हैं उसके ऊपर तो उससे क्या है कि जिनको खांसी हो रही होती है काफी या फीवर से काफी प्रॉब्लम हो रही होती है हेडेक हो रहा होता है वो आराम से पूरी रात भर सो सकते हैं और सोने से मतलब मेरा इसके पीछे यही लॉजिक लगा मुझे कि उसके नीचे पैरों के नीचे जो अपने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो हीट अप होके प्रेस हो जाते हैं तो उससे काफी रिलीफ मिलता है ठीक है तो एक्यूप्रेशर भी कर दिया आपने वेरी गुड ठीक है वो बहुत इफेक्टिव रहता है और हम हमेशा यूज करते हैं तो खांसी वगैरह जैसे कई लोग फिर रात को सो नहीं पाते तो इससे पूरी तरह से साउंड स्लीप आती है और मेरे ख्याल से उससे मतलब हीलिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है थैंक यू सो मच और भी तो थर्डली एक था जैसे फीवर कई बार हाई होता है और जैसे आपने भी कोल्ड प्रेस की बात कर रहे थे उसमें एक और चीज होती है एक जो ठंडे वाले तेल आते हैं ना कुछ स्पेशली आई फॉरगॉट नेम ये जो लाल तेल वगैरह होता है ठंडा तेल ठीक है ओके हैंड्स में फीट पर और हेड में मालिश कर सकते हैं उस ठंडे तेल से टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो और फोर्थ है कि जो अपने वायरसेस वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह को घर से कम करने के लिए हम लोग तेज पत्ता होता है बे लीव्स होते हैं ठीक है
कपूर, तेज पत्ता और ये इलायची, छोटी इलायची, इसको साथ में ना दिए में रख के हम लोग जला लेते हैं, तो उसका जो धुआं होता है उससे घर में बैक्टीरिया वगैरह काफी कम हो जाते हैं। तो ये कब, दिन में करते हो कि कभी कभी करते हो या जरूरत के हिसाब से कभी करते हो? जब जब जरूरत लगती है कभी कभार। तब करते और हो? एक और था सर, जब फीवर होता है वायरल फीवर घर में सबको हो जाता है, नहीं तो उसके लिए क्या होता है, प्याज काट कर, प्याज के टुकड़े हम लोग जैसे एक प्याज के 4 पीस कर लिए और जिस भी कमरे में जैसे वो हैं जिसको भी फीवर है वहां रख देते हैं, तो कभी भी मेरे घर में कभी भी दूसरे बंदे को नहीं हुआ, मतलब सिर्फ इस चीज से। ठीक तो है, ये प्याज का वाली तो, हाँ प्याज का तो वह है कि जी वो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ जो फ्लूज वगैरह हो जाए तो वहां पे इसको हाँ यूज कर जी, सकते हैं, और जो तो ज्यादा उस बीमार हो प्याज उसके को पास में, थ्रो हाँ, करना भी और बहुत उसको थ्रो जरूरी है करना, सर। बिल्कुल वो काला भी हाँ पड़ जी जाता है और हाँ उसको जी, फेंक देना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पे एक और रिप्लेस इन्फॉर्मेशन करना दे दूँ, यस इन्फॉर्मेशन दे जी दूँ कि प्याज कटा हुआ बहुत देर तक इसलिए भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आसना ने सेम चीज बताया, मैं वही बोल रहा हूँ बिल्कुल कि प्याज कटा हुआ अगर कुछ देर तक रख लिया है तो वो नेगेटिव एनर्जी को और बैक्टीरिया को एब्सॉर्ब करता है। जी इसीलिए मैक्सिमम लोग जो फूड पॉइजन के शिकार होते हैं, होटल में खाए होते हैं सैलेड्स जो कि कच्चे कटा हुआ प्याज होता है, और ज्यादातर तो जो शादी में खाते हैं जो बहुत देर से सलाद काटा होता है उसको वहां पे खाते हैं, तो वहां पे इन चीजों से ही आपको फूड पॉइजन होता है और बीमार पड़ते हैं। इसीलिए इसको अवॉइड करना है, कटा हुआ प्याज को, और कटा हुआ खीरा भी नहीं खाना चाहिए जो कि नॉर्मली हम लोग सैलेड्स में, शादियों में और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। ये दो चीज को अवॉइड करना चाहिए, उससे फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, चलो हैविंग सेड सो, अगर अभी किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आपकी क्लास खत्म करते हैं। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग और शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तब भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है, और अगर पूछना हो तो आ सकते हैं। मैं 10 मिनट और देना चाहता हूं अगर किसी को बात करनी हो, प्लीज मी टाइप करेंगे या आएंगे, प्लीज कोई है एनीबडी? हाँ जगना, जिगना, जगदीश, ओके जगदीश, जगदीश आइए आप पहले, और उमेश भी आ सकते हैं इसके बाद। ओके उमेश आपका नेक्स्ट है, उश्विंदर को बोलेंगे अगर आना गुड है तो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? जगदीश, जगदीश सोनी बोल रहा हूँ सर। जगदीश आपका स्वागत है, बोलिए कैसा है सब जी कुछ छत्तीसगढ़ में? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा हूँ सर। मैं बोलिए सर एक बोलिए, ठो शेयर करना चाह रहा था सर कि हाँ बोलिए ना बोलिए। मैं सर रोज लक्ष्मी माता का पूजा करता हूँ सर, और रोज ऐसे अफर्मेशन लिखता हूँ कि हे भगवान मेरे को आप थोड़े चांदी की सिक्का की बारिश हो रही है, 25 रुपए के नोट बरस रहे एक हैं बड़ा 200 ग्राम सर। है, बड़ा जो लालच है होल्ड करना, होल्ड करना, होल्ड हाँ, करना। कि मैं जो रोज अफर्मेशन देता हूँ, तो कल शुक्रवार को सर मैं जब जा रहा था मॉर्निंग वॉक में तो मेरे को 500 का नोट मिला सर। तो अच्छा तो क्या क्या हुआ? सर मैं वो लक्ष्मी माता के पास वापस रख दिया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर जो दान कुछ भी मिलता है जैसे, तो क्या करें सर उस पैसे का? देखो सबसे पहले तो जगदीश खुश होने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए किसी का होगा, उसको तकलीफ हो सकती है, वो बुरा मान सकता है। पहले तो पता करें कि 500 का नोट अगर मिल गया है तो ईमानदारी से पता करो कि किसका गिर गया है। थोड़ी देर वेट कर लो, आसपास वालों को बताओ, हाँ आसपास वालों को पूछ लो, थोड़ी देर वेट कर लो, क्या पता कोई ढूंढते हुए आ रहा हो, तो पहले तो उसको वापस कर देना चाहिए। हाँ प्लीज, ओके आप ही रहिए और बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिएगा। ओके तो सबसे पहले तो चाहे वो 500 रुपए मिले या 5 लाख मिले या 5 करोड़ मिले, खुश नहीं होना है, क्योंकि किसी का पैसा है तो उसको तकलीफ होगी, वो हो सकता है ढूंढते हुए आए, तो वेट कर लेंगे। ठीक है, आसपास में बता देंगे कि मैंने लिया है, और अपना फोन नंबर लिखवा देंगे कि अगर किसी को जरूरत है, अगर किसी का पैसा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और जब मिल जाए तो पूछेंगे कि भैया कहाँ पे गिरा था, कितने का गिरा था, राइट? तो इस हिसाब से आप वेरीफाई करके उनको वापस देंगे। पहली बात तो ये कि वापस करने की मनसा होनी चाहिए, जी ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्लेमर नहीं है और ये भगवान ने मुझे दिया है, तो डेफिनेटली उसको आप अपने पास रख सकते हैं। 500 रुपये से क्या खरीदोगे और क्या उससे जमीन जायदाद बनाओगे, तो उससे आप एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गॉड यूनिवर्स आप बना के अपने पर्स में उसको रख सकते हैं, उसको कभी खर्च ही मत करो, देखते रहो कि भगवान ऐसे ही गिफ्ट मुझे देते रहते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, एबंडेंस ऑफ मनी एक्चुअली मेरे ऊपर आ रहे हैं, मैं हमेशा पैसा मेरे को मिलता रहता है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे पैसे इस टाइप से गिफ्ट के रूप में मिलता है, मैं मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक भाव अपने पास की यूनिवर्स या भगवान आपको देते रहते हैं, तो वो आप खर्च मत कीजिए, उसको एक बार अपने देवी अपने भगवान को आप चढ़ाइए, कुछ देर तक रहिए, कम से कम 24 घंटे वहां पूजा स्थल पर रखिए, उसके बाद उसको अपने पर्स में बढ़िया से सजा के रखिए,
रखिए, उसमें एक कागज में चिपका के रखिए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और उसको हमेशा देखिए और भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको ऐसे पैसे मिल रहे हैं। जी सर। तो इससे आपको और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से और ज्यादा मिलने लगेगा। ये एक तरीका है अपने अंदर एक वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करने का, ठीक है ना? जी सर, ये किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। दूसरा उमेश, आपको कुछ कहना है? उमेश आइए। हाँ बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ उमेश आ रही है, बोलिए। गुड इवनिंग सर। शक्तिपात लेने के बाद मैं डेली जो 12 मिनट का जो हमारा अफर्मेशन लेते हैं, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं रेकी के, तो सर उसमें मुझे कुछ पॉजिटिव ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सर। जैसे कि जो मेरी वाइफ है, तो कभी कभी पति पत्नी में घर में किसी छोटी सी चीज के लिए एक मिट्टी सी नोक झोंक होती है सर, ठीक है? तो जैसे उसने कुछ छोटे काम के लिए कहा तो मैंने जस्ट हाँ बोल दिया, और उसने मुझे कुछ रिएक्ट किया नहीं, मतलब कुछ ऐसा रिप्लाई दिया नहीं, और चली गई। मैं दो दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सर ये मेरे पॉजिटिव अफर्मेशन से मुझे है ना कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है सर, पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब वो अगर मुझे काम बोल रही है और मैं उसको सुन रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ जो होती है ना पति पत्नी वाली छोटी सी तकरार होती है वो नहीं हो रही सर। और मेरे दोस्तों में भी जैसे आज हमारा ग्रुप में कोरोना वायरस में थोड़ा डिस्कशन हुआ था, तो जैसे हम कभी भी दोस्तों में ग्रुप में बैठते तो एक फालतू की बहस होती है सर, जैसे कुछ मैंने कहा तो उसके ऊपर एक टाइम पास ही छिड़ जाती है। तो मतलब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर उनको कुछ बोलना है तो ऐसा नहीं कि उमेश तुझे कोरोना वायरस कुछ पता नहीं, एक ऐसी बहस नहीं छिड़ रही सर। तो मुझे सुन कि जैसे मैंने उनको बताया कि जो भी मार्केट में जो ग्रोथ मिल रहे बहुत ज्यादा महंगे, तो हमें कुछ हुआ नहीं तो हमें लेना नहीं चाहिए, इसकी जरूरत जो भी इन्फेक्टेड उनको ज्यादा है। ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब सर पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है जब से आपने मुझे शक्तिपात दिया, और जो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ, मतलब लोग मुझे अभी ध्यान से सुन रहे हैं और मुझे सीरियस ले रहे कि कुछ अगर बात करता हूँ तो मतलब उसमें कुछ ऐसी बहस नहीं होती है, ठीक है? तो उमेश ये चीज तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब नहीं लग रहा है कि आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था? एक महीने से ज्यादा आपने वेस्ट कर दिया टाइम, है ना उमेश? एक महीने से ज्यादा आपने डिसाइड करने में, हाँ डिसाइड करने में, आपने डिसाइड करने में एक महीने से ज्यादा टाइम लिया, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, है ना? और आपको लग रहा है ना कि आपकी एक्चुअली बहुत फायदा होता, अभी एक महीने में तो आप पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं कि अभी तो दो तीन दिन ही हुआ है, ठीक है? चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, है कि नहीं उमेश? ठीक है, मैं खुश हूँ कि आपको भी वही फायदा हो रहा है जो मैं सबके लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो प्रूव करता हूँ और बोल के नहीं करता, ऐसे ही खुद आके लोग बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है? चलो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि साइंस है, एक काइंड ऑफ सिद्धांत है, ये काम करता है, आपके साथ भी काम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ओके उमेश, थैंक यू, वेरी गुड, आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसविंदर, आपको कुछ कहना है? उसविंदर जी, सर जी, गुरु जी आपको याद होगा 20 दिन पहले मैंने आपको रात को फोन किया था, मेरी 534 शुगर थी। हाँ हाँ आपने बताया था, आपको याद है ना? तो डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला इंसुलिन का टीका लगवा लो, भी आपकी वो कितने अटैक कर जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इंसुलिन नहीं लगवाना, मैं अपने आप पे कंट्रोल करूंगी। तो सारी रात मैंने टेंशन नहीं ली, उस दिन के बाद मैंने पल पल ही अपनी बढ़ाई थी। Okay. और खान पीन में भी थोड़ा सा नीम और उसका अमरूद का पानी लेती रही, ठीक है? तो 15 दिन बाद ही मेरी 165 आ गई थी। ओके। आज मैंने कराई, 18-20 दिन हुए हैं, तो आज मेरी खा पी कर 151 आई है, मींस 105-110 आ गई। मुबारक। तो सब हीलिंग के करने हुआ है। बहुत अच्छी बात। नहीं, हीलिंग के अलावा, हीलिंग के अलावा आप पॉजिटिव रहे, आपने नेचुरल सिस्टम पर विश्वास किया, भगवान पे विश्वास किया, और जो नेचुरल सिस्टम है उससे आप उसको काबू कर सकते हैं। अगर आप वहां पे इंसुलिन लगाने लग जाते तो इंसुलिन आपको लगातार ही लेना पड़ता है, ये एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना? नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ ही रही हूँ। उस दिन सो नहीं पाई,
लेकिन मैंने आपको बोला था, हाँ लेकिन मैंने ये बोला था कि आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए, मैंने आपको बोला था राइट। हाँ जी डॉक्टर तो इंसुलिन कह रहे थे पर मैंने कहा नहीं मुझे विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो एटलीस्ट आप कर पाई और किसने आपको 15-20 दिन ही मैक्सिमम हुआ है और आप कंट्रोल में हो, आगे भी आप ध्यान रखिएगा, खान पान ध्यान रखिए ठीक है, सही तरीके का डाइट रखिए और हीलिंग करते रहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करने का, तो मणिपुर चक्र में ज्यादा हीलिंग दीजिए और आपके शुगर के केस में अपने दिमाग में भी ज्यादा हीलिंग दीजिए, आपका शुगर नॉर्मल मेंटेन रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू रेखी, लेकिन बीच-बीच में चेक कराते रहना डॉक्टर से ठीक है ना। हां जी चेक जरूर करना ठीक है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। चलो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोना, हाउ आर यू? हाँ फाइन सर। सर मैं ये वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। जो एक नहीं दो बार जब मैंने इस चीज को अप्लाई कर लिया, दो वायरल इन्फेक्शन में, एक तो मुझे ही हुआ था और दो बार मेरी डॉटर को और एक बार हम दोनों को ही हो गया था। ठीक है बताइए कौन तो गया था। हाँ सर, सिंपल सा यही है कि एक फॉर्मूला मैंने अपने माइंड में बिठा रखा है कि वायरल इन्फेक्शन में अगर हम मेडिसिन खाएंगे तो 6 days में और नहीं खाएंगे तो 1 week में ठीक होते हैं। बिल्कुल, मेरा भी वही फॉर्मूला है। हाँ तो ये फॉर्मूला मैंने इतना इस तरह से फिट कर रखा है कि मैं मेडिसिन लूं तब भी नहीं लूं तब भी मैं 4-5 days में ठीक होती ही होती हूँ। उतने टाइम तो लगेगा, ओवरनाइट तो ठीक होते नहीं है। बिल्कुल सही। यस एग्जैक्टली। तो मैंने इस बार क्या किया, इस बार 15 days बैक हम दोनों को ही वायरल हो गया था, डॉक्टर को पहले उसके बाद मुझे, और हाई फीवर था, हम दोनों को ही हाई फीवर था। मैंने सिंपल रेकी और होम्योपैथी की मेडिसिन, और अगर खाने का मन नहीं है तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मन ने, और चूंकि दोनों ही अकेले थे और बीमार थे तो जूस वगैरह बनाने का तो पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए, तो जूस वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए। बट हाँ नॉर्मल फूड घर का ही कुक करके जो भी था वो चीजें खाते थे, लेकिन सिर्फ रेकी और होम्योपैथिक मेडिसिन से 4 दिन में हाई फीवर भी हम लोगों का डाउन हुआ, फ्लक्चुएट होता था लेकिन वो डाउन हुआ, और 5th-6th days से हम लोग कंप्लीट बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद जो हल्की फुल्की वीकनेस और जो सिम्टम्स रहती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस ठीक है तो फर्स्ट इज रेकी आपने हीलिंग किया, नॉर्मली हमें करना ही है बिकॉज वी आर हीलर्स। होम्योपैथिक मेडिसिन आपने लिया एंड नो फूड विदाउट हंगर राइट। यस, बिना भूख का खाना नहीं खाना। सभी लोग लिख लेंगे कहीं पे बिना भूख का खाना खाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। चाहे आप टाइम देख लो कि लंच का टाइम हो गया डिनर का टाइम हो गया, नो, जब तक भूख नहीं लगी हो खाना नहीं खाना है, आपका बॉडी खुद बताता है। और जब बीमार पड़ते हो तो आपकी भूख मर जाती है, जबरदस्ती नहीं खाना है। सो नो फूड विदाउट हंगर, सो ये फॉर्मूला आपका सही लगा ठीक है। और कुछ कहना है इसके अलावा? और बस ये सर कि मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं रेकी इन्वोक करने के लिए भी हाथ को भी नहीं रख पाती थी, लेकिन मैंने उस वक्त क्या किया, सिंपल चैंटिंग स्टार्ट की ठीक है। और चैंटिंग में मैंने डाइकोमी को भी ऐड कर लिया उस चैंट में, और उससे क्या हुआ मुझे स्ट्रेंथ मिली। और उस स्ट्रेंथ के बाद जब भी मुझे मौका मिलता था मैं बैठ के सिर्फ रेकी इन्वोक करके अपने सोलर प्लेक्सस पे हैंड को रख लेती थी कि मेरी पूरी बॉडी चार्ज हो रही है, मेरी पूरी बॉडी में यहाँ से पावर हाउस से सारी एनर्जी फैल रही है और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस सिंपल सा इतना ही किया। वेरी गुड। और इसे आप अपने आप को इम्यून रख पा रहे हो, अपने फैमिली को सेफ रख पा रहे हो, सही है मुना? ठीक है। यस सर, यस सर। सेम गोज टू विधि, सेम गोज टू मिथिलेश, सेम गोज टू पंकज प्रासर जिन्होंने बोला कि वो करते हैं, और सेम गोज टू ऑल ऑफ यू जो मेरे स्टूडेंट्स है, जिस कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो अब आगे इस चीज को फॉलो करेंगे। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।